भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ के अनुसंधान संघ कॉटन डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएशन के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कपास की खेती देश के लिए महत्वपूर्ण है। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है और लाखों किसान इस खेती में जुटे हुए हैं। तोमर ने कहा कि हमारा कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ के समान है। खाद्यान्न और कपड़े के बिना काम नहीं चल सकता। खाद्यान्न का तो हमारे देश में बंपर उत्पादन हो रहा है, वहीं कपास की खेती भी और उन्नत होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। फेडरेशन ऑफ इंडिया के एफपीओ और एग्रीक्रेटर्स न्यू दिल्ली के सीईओ सुदर्शन सूर्यवंशी ने कृषि जागरण के हेड ऑफिस का दौरा किया और कृषि जागरण की टीम से मुलाकात की। कृषि जागरण के संस्थापक और प्रधान संपादक एमसी डोमिनिक निदेशक शानी डोमिनिक ने उनका स्वागत किया और साथ ही कृषि जागरण और फीफा के सीईओ ने किसानों के लिए बात की। आपको बता दें कि भारत, एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका के अन्य विकासशील देशों में छोटे किसानों के साथ काम करने वाले कृषि और सामाजिक क्षेत्र में सूर्यवंशी विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकियों, आपूर्ति श्रृंखला और विपणन के उपयोग के माध्यम से आय में वृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। And we set up one specific organization for FPOs, that is Federation of Indian FPOs and Aggregators, which was acquired by NAFED. NAFED is the National Apex Cooperative under Ministry of Agriculture. It normally supports marketing of agri produce across the country and also procurement of selected commodities under MSP regime, minimum support price regime, through the government funding. So NAFED shown interest in working with the FPOs, and that's how then they acquired FIFA, which was set up by us under ISAP. And then I also shifted from ISAP to NAFED. No? उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ में कृषि विभाग की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि किसानों को नलकूप कनेक्शन के लिए मुफ्त बिजली देने का जो वादा घोषणा पत्र में किया गया था, उस पर काम किया जा रहा है। संकल्प पत्र की घोषणाओं को पूरा करने के लिए 5 साल का वक्त लगेगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक सांप को किसी किसान के खेत में अजीबोगरीब हालात में देखा जा रहा है। आमतौर पर खेतों में सांप देखने पर लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वीडियो में किसान पानी के पाइप में फंसे सांप का रेस्क्यू करता दिखाई दे रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पानी के बंद होने पर सांप उसे बिल समझकर पाइप के अंदर चला गया। ऐसे में किसान पानी के बहाव की जांच करने के दौरान सांप को पाइप में फंसा हुआ पाता है। किसान सांप के मुंह को बड़ी ही सावधानी से पकड़कर पाइप से निकाल देता है। पाइप से निकलते ही सांप हवा में दूर उछल जाता है। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने तथा बंजर जमीन पर आंवला, ड्रैगन फ्रूट सहित अन्य मौसमी फल, सब्जी और लकड़ी के महत्वपूर्ण पेड़ लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने को लेकर जिला उद्यान विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा बंजर जमीन पर खेती को बढ़ावा देने के लिए 50% अनुदान किसानों को दिया जाएगा, जिससे किसान विभिन्न तरह के फल का उत्पादन कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हरियाणा के जिले सोनीपत के गांव जाजल और यूपी के जिला बागपत के गांव निवाड़ा के किसानों के बीच चल रहे सीमा विवाद के कारण फिर से टकराव बढ़ने लगा है। गांव जाजल के किसानों ने निवाड़ा के किसानों पर 20 एकड़ गेहूं की फसल काट कर ले जाने का आरोप लगाया है। इनमें प्रशासन से पट्टे पर ली गई 12 एकड़ जमीन में उगाई गई फसल भी शामिल है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 9 क्विंटल गेहूँ भी बरामद किया है। विदर्भ के ज्यादातर किसान अपने खेत में मूंग, कपास, तुअर और सोयाबीन की खेती करते नजर आते हैं, लेकिन इन सब के बीच वाशिम जिले के करंजी गांव के रहने वाले अनमोल बैस ने अपने खेत में अश्वगंधा की फसल लगाकर इतिहास रच दिया है। दरअसल किसान अमोल बैस कहते हैं कि अश्वगंधा की फसल को जंगली जानवर नहीं खाते हैं। उन्होंने फिलहाल 30,000 की लागत से 1 एकड़ में अश्वगंधा की फसल लगाई है। इसके पत्ते, जड़ सभी आयुर्वेदिक दवा बनाने में काम आते हैं। ऐसे में देश के अन्य किसान भी इस पौधे से आराम से दोगुना मुनाफा कमा सकते हैं। लाल सड़न रोग के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गन्ना विभाग किसानों और शुगर मिलों के लिए लाभकारी गन्ने की CO0238 प्रजाति को नई प्रजाति से रिप्लेस करने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए मंडल में नवीनतम अगेती प्रजातियों कोलक 14201 और COS 13235 प्रजातियों की भी 74.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौधशालाएं बनाई गई हैं। अगले सीजन में इस पौधशालाओं से किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को हीटवेव से राहत मिलेगी और तापमान में भी थोड़ी गिरावट आने की संभावना है। हालांकि केरल, असम, हिमाचल प्रदेश और आसपास के कई राज्यों में बारिश होने की भी संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।